अच्छा जी, तो हम निकले F6 से मार्गला हिल्स की तरफ। तो ये मार्गला हिल्स स्टार्ट हो गई हैं, चिड़ियाघर से आगे क्रॉस किया। बाइक पे मेरे साथ हैं शायरोज़, और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी बाइक पे वीडियो बना लेते हैं। बड़ा ही अच्छा नज़ारा है इस्लामाबाद का, फैसल मस्जिद नज़र आती है वहाँ से, और ये वहाँ पे मेरा फेवरेट स्पॉट था जहाँ हम रेस्ट करते हैं अक्सर जाके। तो आ जाता है जी मोनाल, और फिर आता है ला मुंताना। ला मुंताना का मेरा ब्लॉग पिछला देखिए मत भूलिएगा, साथ ही ये है पीर सावा। पीर सावा से ये शुरू हो जाता है जी वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का हदूद जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये उस वैली की शुरुआत होती है जी, नीला बोतो, जिसको संडा पत्थर भी कहते हैं। खूबसूरत वैली है, देखें ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं, वाटर है, अब तो सड़क भी पक्की हो गई है, और नहर तो मुझे वैसी बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ की मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह, लोग पकड़ते नहीं हैं क्योंकि बड़ी सरकार से इनकी निस्बत है, तो यहाँ की मछलियाँ पकड़ना यहाँ पे अलाउ नहीं है। इस वजह से मछलियाँ यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और पानी बहुत कम भी हो तो जो मछलियाँ वो बहुत बड़ी होती हैं यहाँ पे। तो इस ये मछलियाँ हैं वहाँ की, चेक करें कैसा ब्लू वाटर है यहाँ। और साथ ही ओवरव्यू उस जगह का, एक्चुअली इस जगह को मछली टन कहते हैं, और ये एक संडा पत्थर के पास ही है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना मेला होता है, उर्स होता है बड़ी सरकार की मुनासिबत से हर साल, हम वहीं गए हुए थे। हाँ जी, कैसा ख्याल है आपका? ठीक है यार। हाँ ना, इधर हाँ ठीक है यार। हैं, स्विमिंग आती है? आज पता चलेगा तुम्हारी स्विमिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, यहाँ करते हैं स्विमिंग, पानी बहुत लेकिन हम गंदा जरा जा रहा आगे चलते हैं वहाँ पे, उधर जाके कोई सीन बनाते हैं। है। टिकटॉकर टिकटॉकर कहीं का? अच्छा जी, शाहरोज ने मुझे कहा कि मेरी टिकटॉक वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चलो जी हम भी टिकटॉक ट्राई कर लेते हैं। पहुंच गए जी हम संडा पत्थर, और सामने वहाँ स्विमिंग की जगह, तो चलते हैं जरा। स्विमिंग काफ़ी टाइम हो गया नहीं किया, और स्विमिंग तो मेरी वैसे ही मोस्ट फेवरेट चीज़ है, तो जाके आगे देखते हैं स्विमिंग का क्या सीन है। क्यों, क्या बात है, क्या बात है, पानी कम है? हाँ, बारिश बारिश नहीं हुई ना पानी, मैंने आपको कहा था ना कि सुबह आओ। ये जी स्विमिंग, इसमें मेरी बहुत साल पहले की एक वीडियो है बैक फ्लिप वाली, वही यहीं की है। अच्छा जी, पुरानी यादें मैंने कहा ताज़ा कर लें, एक ब्लैक बैक फ्लिप लेते हैं। यहीं पे मेरी एक पहले की वीडियो थी, लेकिन जनाब ने सही कैमरा नहीं लगाया, लेकिन चले कोशिश करके बैक फ्लिप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हम भी स्लो मो ट्राई करते हैं। लेकिन अभी आपने बोर नहीं होना, असली जो कंटेंट है वो दो तीन क्लिप्स के बाद आना है, जिसमें मैंने इन वाटर रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है जी, आज का मेरा टाइटल भी यही होगा वीडियो का, तो ज़रूर देखा जाएगा, बोर मत होना। तो उसमें मैंने ये किया है कि मोबाइल फ़ोन को वाटर प्रूफ कवर मिलता है उसमें डाल के, तो वाटर प्रूफ कवर ऊपर चढ़ा के तो मैं पानी के अंदर लगी गया हूँ। मुझे तो शक ही था, लेकिन आज काम कर गया वो। अच्छा बाय द वे, ये अगली साइड पे जो पानी लेवल था, वाटर लेवल, वो मेरे सर से ऊपर था। अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरा सर नज़र नहीं आता था, इवन मेरे हाथ के भी आखिरी कोने नज़र आते थे, यानी ये मेरी हाइट से ज़्यादा डीप वाटर था जिसमें मैं ये लेके गया हूँ, वाटर वाटर में जो कैमरा लेके गया। तो इसलिए ये पास वाले जो किनारे में कम पानी था, लेकिन आगे और मिड में ये मेरे सर से ऊपर था। हाँ जी, ठंडा पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही लाल है, बहुत ही ठंडा है। यार डुबकी मार दी अभी रखे, चोरियां हो रही है मेरे बैग से। हैं बैग तो चोरियां। ये हमारे टिकटॉकर साहब की एंट्री होती है जी यहाँ पे, और 3 2 1 गो, ये हुई हमारी एंट्री। अब होने जा रहा है जी वाटर इनसाइड कैमरा रिकॉर्डिंग, और यहाँ सीन कुछ ऐसे हैं जी। अभी तो और सीन चलेगा, अभी ख़त्म नहीं होने वाला ये। एक दफ़ा ऊपर आऊँगा सांस लेके फिर वापस।
हाँ जी, और ऐसे ही सीन चलेगा, वीडियो में क्लिप काट काट के डालने पड़े हैं क्योंकि ज़्यादा रश नहीं डालनी ना। तो फिर आप कैच कर लेना। ये पानी यहाँ पे मेरे सर से ऊपर था, तो अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरे सर से ऊपर पानी था, इसलिए मुझे यहाँ पे ये तैरने में, साथ कैमरा उठाया हुआ, तो मुश्किल हो रही है तैरने में। लो जी, चला गया मेरे अलग में पानी, लग गई खांसी हमको भी। असल में आप रूटीन में स्विमिंग होती नहीं है, काफ़ी अर्से बात कर रहा हूँ इसलिए स्टेमिना ही नहीं रहा उस तरह का, भूल ही गया हूँ तकरीबन। सही हॉन्टेड जगह ये जगह जो कटी हुई है ना, मुझे लगता है यहाँ से पानी की गुजरगाह रही है, पानी गुजरता है। अच्छा जी, ये जगह वाकई हॉन्टेड थी। इस जगह का नाम है ठंडा चश्मा। तो मेरा व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म जी। मैं हूँ इसान, दीजिए इजाज़त।